सिर्फ गाँव से हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल जी, जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ना था, श्री मनोज सिन्हा जी जिन्हें नहीं जुड़ पाए लेकिन तो भी हमारी भावनाओं से जरूर अवगत हो रहे होंगे। पूर्वी के राजदूत श्री प्रसाद खातू जी, हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री श्री कौरपाल जी, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री राजेश नागर जी, श्री घनश्याम दास जी, श्री महनपाल रावत जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी हमारे श्री अमित सिंह जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म, अन्य अधिकारीगण, देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार कलाकार एवं उपस्थित देवी और सज्जनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज यह अवसर न केवल एक शुभ अवसर है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा आनंदपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बात महत्व है। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था 1987 यानी 35 साल पहले जो गोया बीज था, आज ये प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छाव ये दे रहा है, अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत उहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए या न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूँ सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो लेकिन इस बार हम उसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प जो तैयार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं। आज सब वो यहाँ आए हैं। सूर्य पढ़ाई मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारे जो चिन्ह लोगों भी सूर्य बना है तो सूर्य में शक्ति होती है, तत्व होता है, तो इस तत्व और शक्ति के समान सूर्य मोले में इस मेले में आकर के और यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और जहाँ माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मध्य स्मृतियां ताजा कर रही है, वही वसंत ऋतु में बसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले की शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है। मणिकांचन योग में देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोवर सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है।